subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. Welcome back to DK Education Academy. बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई. तो बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4. ठीक है, तो बच्चों वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बच्चे फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. यानी कि हमने यहाँ पे सभी का यूनियन निकालना है, जितने भी पेयर्स दे रखे हैं हमारे पास, कुछ पांच पार्ट है यहाँ पे, सभी पेयर्स का हमने क्या बताना है बच्चे, यूनियन बताना है ना. ओके, तो यूनियन क्या होता है ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से बताया था. अगर किसी बच्चे ने मेरी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख ले. ओके, तो यूनियन किसे कहते हैं बच्चे, मैंने बताया था अगर आप दो सेट का यूनियन निकाल रहे हो तो आपने सेट, लेट सपोज एक सेट ए है, लेट सपोज एक सेट बी है, तो आपने ए सेट के भी सारे एलिमेंट ले लेने होते हैं और बी सेट के भी सारे एलिमेंट ले लेने होते हैं, है ना. और जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में उनको आपने सिंगल टाइम्स लेना होता है, वन टाइम्स लेना होता है. तो बाकी जब आप ये एग्जांपल्स देखोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे चीजें, है ना. तो चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, देखेंगे वन बाय वन. अब जैसे कि सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो बच्चे यहाँ पे हमने x यूनियन y निकालना है, तो मैं क्या करूंगा x के भी सारे एलिमेंट ले लूंगा, दैट इज 1, 3, 5, और इसके भी सारे ले लूंगा, लेकिन जो कॉमन है उसको एक ही बार, तो 1, 1 मैं ले चुका हूँ, 2, 2 नहीं लिया मैंने, तो 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे, 3, 3 भी मैं ले चुका हूँ, आप चेक कर लो. तो बच्चे देखो ना, आप चेक करो इसमें, इसके भी सारे एलिमेंट है 1, 3, 5, है ना, और इसके भी 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना, सारे. तो इसी को कहते हैं एक्स यूनियन वाई, यानी कि यूनियन ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, और मैंने आपको बहुत इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे समझाया था. ठीक है, ओके, अब ये वाला देखते हैं सॉल्यूशन. तो ए यूनियन बी हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे. देखो ए यूनियन बी, तो ए के भी सारे एलिमेंट ले लूंगा मैं, दैट इज ए ई आई ओ यू, और बी के भी, बी में देखो ए ए आ गया है, बी बी नहीं है ना यहाँ पे बच्चे, तो बी लिख लेंगे, और सी सी भी नहीं है तो सी भी आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी. तो आई होप यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको और क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना. अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन. देखते हैं ए सेट क्या कहता है. देखो ये यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और जनरली बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. तो ए सेट क्या था बेटा, मैं यहाँ पे पहले रफ में साइड में लिख के दिखा देता हूँ आपको. कहता है कि x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर. देखो x यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर है, एंड मल्टीपल ऑफ 3. अब देखो बात को गहराई से समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो एंड वर्ड आया है और जो और वर्ड है इसका बहुत महत्व होता है. मैंने आपको बताया भी था, एंड मतलब इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन बोथ ए एंड बी, है ना, और मीन्स ठीक है ए से भी लिया जाता है एलिमेंट और बी से भी लिया जाता है. ठीक है, मतलब समझो दोनों का, ठीक है, ए और बी और ए एंड बी, है ना, दोनों का मतलब समझो, एंड मतलब जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी, जो दोनों में कॉमन आए. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है ना, और वो मल्टीपल 3 का भी होना चाहिए. तो बच्चे 3 के मल्टीपल नेचुरल नंबर में कौन कौन से होते हैं, आप चेक कर लो. नेचुरल नंबर में 3 के मल्टीपल 3 होते हैं, ठीक है, 6 के बाद 9, 12 डॉट डॉट डॉट. भाई लिमिट तो दी नहीं है ना, इसने बोला तो है नहीं कहाँ तक लेने, भाई ए सेट तो यही आएगा ना, आप चेक करो, क्योंकि ये देखो इसने क्या बोला था कि वो नेचुरल भी होना चाहिए और वो 3 का मल्टीपल भी हो, तो ये सारे के सारे नेचुरल भी और 3 के मल्टीपल भी हो, तो एंड का मतलब यही होता है कि यहाँ वाली बात भी हो रही है और ये वाली बात भी हो रही है, मतलब दोनों चीजें होगी, मतलब कॉमन वाली बात हो रही है ना. तो यहाँ पे कॉमन वाली बात आ रही थी. अब ये वाला सेट देखते हैं, बी सेट. तो बच्चे बी सेट क्या है, ठीक है, बी सेट समझेंगे. कहता है एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर. यहाँ पे जो है एक्स वो नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं. तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, भाई यही होते हैं. अब आप चेक करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. अब इसका यूनियन का मतलब ये है कि इसके भी सारे और इसके भी सारे. 1% आप मान लो कि इसके सारे आप लिख भी दोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सॉरी ए यूनियन बी इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं कुछ ऐसे ही लिखूंगा ना बेटा. देखो इसके सारे ले लिए मैंने, लेट सपोज 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, इसके बाद 6 के बाद आगे, भाई 3 और 6 तो यहाँ पे आ ही गए थे, तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा, 12 लिखूंगा, 15 लिखूंगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लिखूंगा ना. तो बच्चों आप ध्यान दो कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे. अगर पैटर्न बन रहा होता, जैसे इस वाले सेट में पैटर्न बन रहा था, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता था,
बट यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है तीन का मल्टीपल, इससे पहले तो नेचुरल था, है ना, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो मेरा आंसर तो डेफिनेटली यही है भाई, ए यूनियन बी तो डेफिनेटली यही है, बट मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना। तो बच्चे इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए ए यूनियन बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स कॉलन, भाई एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या क्या हो सकता है, देखो वन टू थ्री फोर, भाई वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री अभी नहीं ले रहा क्योंकि थ्री तो बी सेट इससे भी ले रहा है ना, तो फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, भाई पहले मैं इस वाले सेट के एलिमेंट ले रहा हूँ, चेक कर लो, वन टू फोर फाइव। अब इसमें मैंने थ्री और सिक्स को छोड़ा था, वो मैं इसके अंदर दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड डाल रहा हूँ और मल्टीपल मल्टीपल ऑफ थ्री। अब चेक कर लो बेटा, देखो एक तो मैंने ये सारे एलिमेंट ले लिए, और वर्ड का मतलब यूनियन ही होता है आप जानते हैं, और मैंने तीन का मल्टीपल भी ले लिया। तो इस तरीके से मैं अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, भाई ये सारे तो यहाँ पे आ रहे हैं और तीन के जो मल्टीपल बच जा रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो दोनों कंबाइंड ही तो हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एकमात्र हम पे क्या था बच्चे, वो था सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ इतने पोर्शन को और फिर ये आगे वाला करेंगे। तो देखिए नंबर फोर, फोर में क्या कहता है, कहता है कि x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि x एक एलिमेंट है और वो नेचुरल नंबर है। अब देखो फिर से एंड वाली बात है, ये एंड वाली बात का मतलब है कि वो यहां से भी होना चाहिए और यहां से भी, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर तो है लेकिन उस नेचुरल नंबर की रेंज इसने दे दी है कि एक से बड़ा और छह और छह से छोटा। तो बेटा एक से बड़ा तो दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, और छह और छह से छोटा, तो छह भी लेना है भाई क्योंकि इक्वल टू साइन भी है ना, तो छह भी इंक्लूड है। तो बच्चे आप चेक कर लो भाई, यही ना आएगा इसका ए सेट पे, ए सेट रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो यही आएगा ना, कहता है कि नेचुरल नंबर और वन से बड़ा है और छह से छोटा और छह के बराबर है, तो वन से बड़ा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और छह और छह से छोटा। ओके अब भी देखते हैं बी क्या कहता है भाई, इसके लिए बी हमारे से कहता है कि एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एंड 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 मतलब समझ रहे हो ना बात को, छह से बड़ा और दस से छोटा, तो छह से बड़ा सात आठ और दस से छोटा नौ, बस यही हो सकते हैं। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे हम, तो इन दोनों का यूनियन तो हम चाहें तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि बच्चे ये एंडलेस सेट नहीं है, है ना, फाइनाइट सेट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ए के सारे ले लूंगा, ए के सारे में क्या आएगा बेटा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, और बी के भी सारे, तो बी के सारे में सेवन एट नाइन, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। ओके अच्छा एक बात इसमें ये समझाना चाहूंगा मैं आपको ना, एक बात समझाना चाहूंगा इस वाले में क्योंकि मेरे को ध्यान आ गया एकदम से। देखो आपने ऑब्जर्व किया कि जो ए सेट है उसमें जो एलिमेंट थे टू थ्री फोर फाइव सिक्स थे, और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट है सेवन एट नाइन, यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, है ना, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। तो इस टाइप के सेट को बच्चे पता है क्या नाम दिया गया है, इस टाइप के सेट को नाम दिया गया है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि ये आपस में जॉइंट नहीं होते हैं, आपस में मिले हुए नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊं तो ये रहा ए और ये रहा बी। अब देखो ए के एलिमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ दो तीन चार पाँच छः, बी के एलिमेंट लिखूँगा सेवन एट नाइन। बेटा आप खुद चेक कर लो कि इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, जब ये कॉमन नहीं था तो ओवरलैप नहीं कर रहा होगा एक दूसरे को, ओवरलैप का मतलब पूरा ओवरलैप नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पोर्शन है ना। तो देखो ये है ना आपस में जॉइंट नहीं है, ये दोनों सेट अलग अलग है, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप के सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं बच्चे, याद रखना, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट देखेंगे एक बार, कहता है कि ए है वन टू थ्री और बी है फाइव। अब यार फाइव मैंने आपको ऐसे भी इंट्रो में भी बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कॉमन भी कुछ नहीं होगा ना। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सॉरी कॉमन की बात नहीं, आई एम सॉरी, मैं इंटरसेक्शन निकालने लगा था, मेरे को यहाँ पे यूनियन निकालना। तो यूनियन निकालने का मतलब क्या था बेटा, कि मैं इसके सारे लूंगा, है ना, वन टू थ्री, और इसके सारे लूंगा, बट इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो खाली सेट है ना, क्योंकि देखो ना इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो वो आएगा भी नहीं ना, तो इसके भी सारे आ गए और इसके भी सारे आ गए, तो यही तो होगा यूनियन। और इन दैट केस आप याद रखना, हमेशा आंसर क्या मिलता है आपको, हमेशा आंसर
वही सेट मिल जाता है ना, जिसका भी फाइव के साथ आप निकाल रहे होते हो। और यही तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर आप ए सेट का यूनियन फाइव के साथ निकालोगे तो हमेशा आपको ए ही मिलता है, ये समझाया था ना मैंने आपको। और देखो ए यूनियन बी अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपको ए ही तो मिल रहा है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले मैं इतने पोर्शन को रफ कर देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए एक सेट है ए कॉमा बी, कॉमा बी एक सेट है ए बी सी, फुल स्टॉप। आगे कहता है कि इज ए सबसेट बी क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपसे इसने पूछा है कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है। और फिर कहता है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो उसके बाद आप ए यूनियन बी भी बताइए क्या होगा। चलो खैर बात की बात तो हम बाद में करेंगे ए यूनियन बी की, बट बिफोर दैट मैं पहले ये चेक कर लेता हूँ कि ए सबसेट बी है या नहीं। तो बेटा ए तो है बी भी है, तो मतलब यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी है ना। तो सबसे पहले आपने चेक किया ना बेटा कि ए क्या है, ए कॉमा बी, एंड बी क्या है, बी सेट है ए बी सी है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यस ए जो है वो सबसेट है बी का, यस ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, रीजन क्या है बेटे, रीजन क्या है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन सेट बी है ना, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं सेट बी में भी है ना। तो रीजन में हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, भाई जो x यहां पे क्या है एलिमेंट है ना, x जो है वो बिलोंग कर रहा है a को, एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू b, एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू b और b में भी बिलोंग कर रहा है, सो देयर फोर वी कैन से a इज अ सबसेट ऑफ b। बात समझे नहीं समझे, देखो x में जितने भी एलिमेंट हैं वो a में बिलोंग कर रहे हैं और वही सारे एलिमेंट b में भी बिलोंग कर रहे हैं। और एंड वाली बात है तो मैं समझा चुका हूं आपको, ये कॉमन वाली बात है ना। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, इसने जो आगे का पोर्शन बोला था वो बोला था व्हाट इज ए यूनियन बी, तो आप ए यूनियन बी भी बताइए। तो ए यूनियन बी मैं निकालूंगा, तो देखो ए के सारे एलिमेंट लिख दूंगा ए बी, फिर बी के सारे एलिमेंट लिख दूंगा, बट जो लिख चुका हूं वो दोबारा लिखूंगा, तो ए बी तो मैं लिख चुका हूं, खाली सी लिखूंगा, तो ए बी सी। लेकिन अब यहां पे आप ध्यान दो तो क्या ये सेट ए नहीं बन, सॉरी सेट बी नहीं बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। तो बच्चे आप खुद देखो कि ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, क्या चीज समझाई थी बच्चे, अगर देखो ना यहां पे वेन डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं, ये एक सेट ए है, नहीं सॉरी ये सेट बी लेता हूं मैं, और इस वाले सेट को मैं ए सेट लेता हूं, तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है ना, तो बच्चे इसका यूनियन क्या आएगा, यूनियन इसका बी ही तो आएगा है ना। आप चेक कर लो भाई, बी तो आएगा ना, बी बड़ा सेट है क्योंकि है ना क्योंकि कॉमन एलिमेंट हमने दोबारा लेने नहीं है, तो बिल्कुल बी सेट आएगा है ना। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट बी होता है तो कॉमा देन वी कैन से ए यूनियन बी इक्वल टू बी है ना। तो ये बात हमने सीखी यहाँ पे और ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। अच्छा इसी चीज का यूज क्वेश्चन नंबर थ्री में होने वाला है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री भी साथ साथ ही लिख दिया है, तो आप एक बार देखेंगे इसको भी अच्छे से। कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यहाँ पे ए और बी दो सेट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं आई डोंट नो क्योंकि बोला नहीं है क्वेश्चन में। कहता है सच दैट ए सबसेट बी, इसने ये बात जरूर दे दी हमें कि ए जो है वो बी का सबसेट है, जैसे कि यहाँ पे भाई यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट था ना, तो इसने ये पूछा था कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो इन दैट केस ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, इन दैट केस ए यूनियन बी क्या होगा, यही वाली बात तो होगी ना, चेक कर लो, तो बी ही तो होगा बेटा है ना भाई, बी ही होगा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे यही वाला एग्जाम्पल लेके पूरा क्वेश्चन समझा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल लेके करना है तो आप यही एग्जाम्पल लेके आप समझा सकते हो, अदरवाइज अगर आपने रीजन में देना है तो खाली इतना पोर्शन आप लिख के दिखा सकते हो बिल्कुल सेम, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार, बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूनियन ही कैलकुलेट करनी है सब में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं एक बार। कहता है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8, एंड डी इक्वल टू 7 8 9 10, ठीक है। चार सेट्स हमें गिवन है ए बी सी डी,
और आपसे बोला गया है फाइंड करना आपने ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, और उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी यूनियन सी यूनियन डी। ओके, तो कुल मिला के आपसे यूनियन की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है और कुछ नहीं है ना, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये पहले जो चार पार्ट है तो बहुत ईजी हो गए, डायरेक्टली के लिख देता हूँ। देखो येरा बी और येरा सी, सॉरी ए और बी, येरा ए और येरा बी, है ना। तो ए के सारे लिख लूँ भाई, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया। अब बी के सारे, तो थ्री तो आ चुका है, फोर भी आ चुका है, तो फाइव और सिक्स ही आएगा, चेक कर लो भाई, यही होगा ना, यही ए यूनियन बी। बिल्कुल यार यही होगा, इतने समझदार हो आप लोग। अब ए का सी के साथ, तो फिर से ए के सारे लिख लूँ, वन टू थ्री फोर, भाई ए के सारे यही तो है। अब इसका सी के साथ यूनियन निकालना है, तो सी में देखो भाई पांच नहीं आया तो लिखना पड़ेगा, छह भी नहीं आया तो लिखना पड़ेगा, सात भी नहीं आया, आठ भी नहीं आया, है ना। ओके, और फिर से ये देखो ना, डिसजॉइंट सेट आ गया, मैंने बताया था ना आपको डिसजॉइंट सेट है दोनों। चलो बी यूनियन सी देखते हैं, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो बी के सारे लिख ले पहले। तो बी में कितने, तीन चार पाँच छ, चेक कर लो, तीन चार पाँच छह तो है बी में, और इसका यूनियन सी के साथ निकाल रहे हैं, तो सी में कितने, पांच छह सात आठ, तो पांच छह तो लिख चुका हूँ, सात आठ लिख देता हूँ खाली, है ना। ओके, बी यूनियन डी, तो बी ये रहा, तो बी के सारे लिख लेते हैं पहले। तो बी में है तीन चार पांच छ, है ना। ओके, अब इसका यूनियन डी के साथ, तो डी के साथ सात लिखना पड़ेगा, आठ लिखना पड़ेगा, नौ भी लिखना पड़ेगा और दस भी लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट ही थे। ओके चलो ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों यहाँ पे पता है क्या होता है कि जनरली तीन तीन का एक साथ मांग लिया है, तो आप एक काम करो ना, पहले किसी दो का निकाल लो और फिर उसके रिजल्ट के साथ तीसरे का निकालो, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ए यूनियन बी निकाल देता हूँ पहले, है ना, देखेंगे ध्यान से देखेंगे, ए यूनियन बी निकाल देता हूँ। और ए यूनियन बी तो मैंने निकाल भी रखा था, मैं यहीं से देख के लिख देता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यही आने वाला था भाई, ये ए यूनियन बी आ गया। अब इसका इसका यूनियन किसके साथ निकालूँ, सी के साथ, तो मैं सी सेट एज इट इज लिख देता हूँ, यूनियन में सी सेट, पाँच छः सात आठ, चेक कर लो भी, है ना, ऐसे लिखवा ना बेटा। ओके, तो आगे देखेंगे आगे देखेंगे एक बार, इसके बाद क्या आने वाला है भाई, इन दोनों का जब मैं यूनियन निकालूँ, तो पहले इसके सारे एलिमेंट लिख देता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब इसके भी सारे लिखने पड़ेंगे, तो फाइव सिक्स ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो सेवन एट लिखूंगा खाली ना, तो सेवन एट। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब सेम यहां पे देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो पहले एक काम करता हूं, शुरू के दो का निकाल देता हूं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का रिजल्ट मेरे पास है ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और अगर ये रिजल्ट नहीं भी होता तो आप निकाल तो सकते ही हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसका यूनियन डी के साथ निकाल लेंगे, तो डी सेट कौन सा है बेटे, डी सेट है सेवन एट नाइन टेन, चेक कर लो, सेवन एट नाइन टेन, है ना। अब इन दोनों का आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ गया, तो देखो इसके सारे लिख ले पहले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर इसके बाद सेवन एट नाइन टेन आ जाएंगे भाई, यही आएंगे ना, आप चेक कर सकते हैं, सेवन को थोड़ा सा पास लिख देते हैं। ओके, अब ये देखते हैं बी यूनियन सी यूनियन बी, तो पहले बी यूनियन सी लिख लेते हैं, तो बी यूनियन सी मैंने निकाला था, हाँ ये रहा, है ना, चेक कर लो, यही है ना बी यूनियन सी, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तीन चार पाँच छः सात, तीन चार पाँच छ सात आठ भाई, बी यूनियन सी, और इसका यूनियन किसके साथ, डी के साथ, तो डी सेट क्या है, सेवन एट नाइन टेन। ओके, अब इन दोनों का जब मैं यूनियन कैलकुलेट करूंगा तो क्या आने वाला है बेटा, पहले तो ये वाला लिख देता हूँ, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और यहां से सेवन एट आ चुका है, तो नाइन टेन ही आएगा खाली, चेक कर लो, तो बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक था, है ना, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच में कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन अबव, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर वन में आपको पेयर्स दे रखे हैं उनका आपने इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर वन में आपको कौन कौन से पेयर दे रखे थे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगा इसकी, मैं हिंट दूंगा इस क्वेश्चन की ना, प्रॉपर नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो आप ध्यान देना। तो जो पहला पार्ट था वो था बच्चे, x इज इक्वल टू वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव, और दूसरा सेट था वन टू थ्री वन टू थ्री,
अब इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो इसका इंटरसेक्शन बेटा क्या मतलब कॉमन, तो वन है, थ्री बी है, फाइव नहीं है, तो वन और थ्री आ गया बच्चे, चेक कर लो आप, है ना। ओके सेकंड देखते हैं, सेकंड सेकंड में कहता है कि ए सेट आपको गिवन है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई सॉरी ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल्स, है ना। ओके और बी सेट आपको दे रखा था इसका क्या था बच्चे, ए बी सी, ए बी सी। तो इसमें से जब हमने इंटरसेक्शन देखा तो क्या है बेटा, देखो ए ए तो है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, है ना, तो ओनली सिंगल एलिमेंट आएगा ए, चेक कर लो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता बताया था ना बेटा दोनों में। ओके तीसरा देखिए, तीसरा देखो थर्ड, थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है कहता कि ए जो है वो क्या है, एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी कि मैं डायरेक्ट इसको रूस्टर फॉर्म में लिख देता हूं, कह रहा था कि एक्स कॉलन एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, तीन का मल्टीपल भी है, तो तीन का मल्टीपल क्या होगा बेटा, तीन छ नौ बारह पंद्रह डॉट डॉट डॉट, यही होंगे ना बेटा ए सेट के एलिमेंट। और बी सेट देखते हैं, बी सेट में बोला गया था बेटे कि एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन छ, यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर है छ से छोटा, तो छह से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ना बेटा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं चेक करूं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या देख पा रहे हैं भाई, वन चलो यहां से देखते हैं, थ्री थ्री है बिल्कुल, थ्री तो है देखो ना, है बिल्कुल, छ छ नहीं है और कोई है ही नहीं भाई, देख लो तीन के अलावा कोई और नहीं है, है ना, तो यही आएगा बेटा, चेक कर लो आप। ओके अब थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट देखेंगे एक बार, फोर्थ पार्ट में कहता है कि एक्स ए जो सेट है वो क्या है, वो है बेटे एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड वन से बड़ा है और छह से छोटा है, वन से बड़ा है यानी कि टू थ्री फोर फाइव और छह से छोटा, तो बेटा यही आएगा सेट। ओके और इसका जो बी था, बी सेट जो था वो क्या था, तो बी सेट है बेटा एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड छह से बड़ा और दस से छोटा, तो छह से बड़ा सात आठ नौ, है ना, यही होंगे। और बच्चे मैं इसको प्रॉपरली इसलिए भी नहीं करा रहा क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन में मैंने आपको करा भी दिया इसको, है ना, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं तो दो तो यहाँ पे नहीं आएगा, तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है, पांच भी नहीं है, छह भी नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी कि फाइव है ना, और नल से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दो दो बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट कहता है कि ए क्या था बेटा, ए था वन टू थ्री और बी क्या था, बी था फाइव। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है बेटा, कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो, इधर तो कुछ है ही नहीं यार, तो कॉमन कहां से होगा, तो फाइव होगा ना फिर, है ना, और वैसे भी ये प्रॉपर्टी है यार, ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव आता है ना। ओके तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर छह, अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि इफ ए इक्वल टू थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन कॉमा बी इक्वल टू सेवन नाइन इलेवन थर्टीन एंड सी इक्वल टू इलेवन थर्टीन फिफ्टीन एंड डी इज फिफ्टीन सेवनटीन देन फाइंड नंबर वन टू टेन, दस पार्ट आपके सामने है, बट ये जो ऊपर आप पहले पांच तो नहीं है, पहला दूसरा चौथा पांचवा और सातवा, ये पार्ट आप खुद करना प्लीज, डू योर सेल्फ ना। मैं एक आध की हिंट देता हूँ, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन देखना है, अब कॉमन क्या है, देखो तीन तो नहीं है कॉमन, पांच भी कॉमन नहीं है, सात कॉमन है, नौ कॉमन है, ग्यारह, तो सेवन नाइन इलेवन इसका आंसर हो गया। बी और सी का देखेंगे, बी और सी का तो देखो ना ग्यारह और तेरह ही कॉमन है ना, ओनली इलेवन एंड थर्टीन, तो इसका हो गया इलेवन एंड थर्टीन। ए यूनियन सी का देखेंगे तो ए यूनियन सी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं ठीक तो है, अब ए यूनियन सी निकाल लें, यूनियन मतलब क्या होता है कि ए के भी सारे और सी के भी सारे, तो ए के सारे तीन पांच सात नौ ग्यारह ले लेंगे और सी के सारे लेंगे तो सी के ग्यारह ग्यारह देखो आ चुका है, ग्यारह ही लेंगे, तेरह पंद्रह लेंगे, है ना, एंड सो ऑन, बाकी आप खुद कर सकते हो यार, इतने तो समझदार हो, तो ये सारे डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के आप कर लेना, है ना। बाकी हाँ मैं ये वाले जरूर करा देता हूँ आपको वन बाय वन, जैसे कि ये वाला है, इसको देखते पहले, तो इस टाइप का मैंने अभी पीछे ही बताया था कि आप क्या करोगे, पहले दो को ले लो, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी निकाल दो, तो ए ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों में कॉमन पोर्शन देखो क्या है, नहीं है तीन कॉमन, पांच भी नहीं है, सात भी नहीं है, नौ भी नहीं है, ग्यारह कॉमन होती है ना, तो बच्चे क्या आ गया एलिमेंट, ग्यारह एलिमेंट आ गया, और इसका इंटरसेक्शन डी के साथ निकाल लो,
अब डी क्या सेट है, डी है बेटा 15 17, आप चेक कर लो, यही तो है बेटा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख पा रहे हैं कुछ भी कॉमन है इन दोनों में? कुछ भी कॉमन नहीं बेटा, 5 कॉमन है ना। ओके ये कंप्लीट हुआ, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। अब यार यहाँ पे तो पहले से ही आपको बता दिया कि इन दोनों का कर लो और उसके बाद इसके साथ कर लेना। तो ए को मैं एज इट इज लिखूंगा भाई, ए क्या है, ए है आपका 3 5 7 9 11 है ना, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है बेटा, बी यूनियन सी के साथ। अब बी और सी का यूनियन निकाल लेंगे, बी और सी का यूनियन, तो बी के सारे लिख लूं 7 9 11 13, और बी के बाद सी का यूनियन, तो 11 13 तो आ चुका है, खाली 15 आना है ना, चेक कर लेते हैं आप, है ना भाई। 11 13 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना, इसका ऑनली 15 आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या लग गया है बेटे, इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना है। तो देखो 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, है भाई 7 तो कॉमन है, 7 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 11 भी है, और कुछ नहीं है, है ना, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है आप देख लीजिए, और इसके बाद इसको देखते हैं एक बार भाई, यहाँ पे ए तो सेट एज इट इज आएगा ही आएगा, कितना है 3 5 7 9 11 है ना। ओके इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है आपने भाई, 3 5 7 9 11 तो ए आया है ना, ए सेट। अब बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, तो बी यूनियन डी के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो बी ये रहा, देखो ये रहा और डी ये रहा, तो इन दोनों का यूनियन ना, हाँ इन दोनों का यूनियन आप देख पा रहे हैं ना, यूनियन निकालना है। तो बी के सारे लिख दो बेटा, बी में क्या है 7 है 9 है 11 है 13 है, और इसका यूनियन डी के साथ, तो डी में देखो 15 और 17 आ जाएगा भी, है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में इंटरसेक्शन ना, कॉमन इंटरसेक्शन, तो देखो 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 हाँ 7 है, 9 है और 11, बस 7 9 11 है भाई, इन दोनों में कॉमन 7 9 11 ही तो है, आप चेक कर सकते हैं। ओके अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, कहता है ए इंटरसेक्शन बी, भाई ए और बी का इंटरसेक्शन, वैसे तो यहाँ पे भी निकाला होगा हमने, बट कोई बात नहीं, ए और बी का इंटरसेक्शन, देखो 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 है 9 है 11 है, 7 9 11 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 7 9 11। ठीक है थोड़ा सा डायरेक्ट कह रहा हूँ क्योंकि बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है किसका, बी यूनियन सी का, तो बी ये रहा सी ये रहा, इन दोनों का यूनियन निकालना है, यूनियन, तो यूनियन मतलब 7 9 11 13, भाई बी के सारे ले लोगे और सी के भी सारे, सी के 11 13 15, तो 11 13 तो आ चुका है, खाली 15 देना है आपने, है ना, चेक कर लेंगे। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन 7 9 11 7 9 11 है, बस खाली 7 9 11 ही आएगा, है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट पार्ट है आपका ये वाला, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर बना के बता देता हूँ करके, है ना, थोड़ा सा स्पेस ही होगा। तो देखो ए यूनियन डी, अब ए यूनियन डी देख लेते हैं भाई, ए तो सारे लिख दो 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, और इसका यूनियन डी के साथ, तो डी कितना है 15 17 भाई, चेक कर लो यही आएगा, और फिर इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो बी के सारे लिख दे, तो बी के सारे हैं 7 9 11 13, और फिर सी के भी सारे लिखने पड़ेंगे, तो 11 13 मैं लिख चुका हूं, 15 लिखना है खाली, तो 13 के बाद 15, भाई थोड़ी सी जगह कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर देना, 11 13 15 लिखना है, मैं दोबारा लिखता हूँ 11 13 15, है ना, दैट्स इट। ओके अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है 9 है 11 है और 13 13 तो नहीं, 15 है 15, है ना, 15 है। ओके तो देखो ना क्या क्या है बेटे, इन दोनों में कॉमन 7 फिर 9 है 11 है और 15 नहीं है 15 है 15 है 17 नहीं है बाकी, है ना, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी थे, है ना, चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे आप इसको। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक बार ना, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू, अब ए क्या कहता है, ए के लिए एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, भाई यहाँ पे एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर मतलब अप टू कहाँ तक ये नहीं बताया है, तो 1 2 3 डॉट 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 यही होता है ना नेचुरल नंबर का सेट। अच्छा कॉमा बी के लिए बोला है, बी के लिए बोल रहा है बेटा एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये इवन नेचुरल नंबर दैट इज 2 4 6 8 10, इतने काफी रहेंगे ना,
ओके और बी भी हो गया, सी के लिए क्या कहता है भाई, सी भी देख ले। सी के लिए बोल रहा है, कहता है कि एक्स कॉलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, भाई ऑड नेचुरल नंबर यही होंगे है ना। एंड डी, एंड डी के लिए, डी के लिए कहता है बेटा एक्स कॉलन एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है यहाँ पे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 5, 5 के बाद 7, 11, 13 एंड सो ऑन, है ना बच्चे। ओके तो मैं रिपीट कर देता हूं, डी के लिए कहता है एक्स कॉलन एक्स इज अ प्राइम नंबर कॉमा फाइंड। अब हमें वन बाय वन फाइंड करना है, ठीक है बच्चे, अब हमें इसको वन बाय वन फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे नंबर वन से, नंबर वन में क्या लिखा है, नंबर वन में कह रहा है बेटा, कहता है ए इंटरसेक्शन बी, भाई ए इंटरसेक्शन बी बताइए नंबर वन, ये रहा ए और ये रहा बी, इन दोनों में कॉमन बता रहा है। तो आप चेक करो 1, 2, 3 और 2, 4, 6 यानी कि ये नेचुरल नंबर है, इसके अंदर ये वाले सारे के सारे एलिमेंट तो है ही है बेटा, तो क्या कॉमन यही वाला सेट नहीं आ जाएगा भाई, आप चेक कर लो यही वाला सेट कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी के लिए इक्वल टू बी सेट ही नहीं लिख सकता, और बी सेट क्या था, अब बी सेट भी लिख देते हैं कि बी सेट था क्या। तो बेटा बी सेट एक बार पढ़ लेते हैं, बी सेट के लिए कह रहा था कि एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या कहता है बेटा, एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। तो बी सेट ही आप एज इट इज लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10 चेक कर लो भाई, यही कॉमन आएंगे ना सारे, क्योंकि देखो ना 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 8 भी, समझ रहे हैं बात को, तो बी सेट ही आएगा। वैसे बी सेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बी सेट लिख के दिखाना है, ठीक है। आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट कहां गया, क्वेश्चन नंबर 7 का ना, हां सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए और सी का इंटरसेक्शन भाई, यहां पे क्या था, सारे नेचुरल और यहाँ पे ऑड नेचुरल, तो कॉमन तो बेटा ऑड ही आएगा ना, आप खुद चेक कर लो बेटा, देखो 1 भी आ जाएगा है ना, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन तो सारा का सारा कॉमन आ रहा है। तो बच्चे मैं डायरेक्टली ऐसे ना लिखूं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, है ना, आप चेक कर लो यही तो आएगा बेटा इसका आंसर, या कोई डाउट है इसमें आपको, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी, देखो ए ये रहा और डी ये रहा। अब ऑब्वियस सी बात है इनमें भी भाई प्राइम नंबर ही तो आएंगे कॉमन, तो प्राइम नंबर लिख देते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 कहां तक लिखोगे यार, बस इतने काफी है, ठीक है। फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, कहता है फोर्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी ए रहा और सी ए रहा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ध्यान से देखो, ये इवन नंबर ये ऑड नंबर, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं हो सकता बेटा, इवन और ऑड में कुछ कॉमन होता है, कुछ कॉमन नहीं होता बेटा। तो इसके अंदर कॉमन क्या है बेटा, 5 है ना। अब अगर पांचवा पार्ट है तो उसको भी देखते हैं, पांचवा पार्ट, पांचवा पार्ट है तो पांचवे पार्ट में कहता है कि बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी के बीच में इंटरसेक्शन, बी एरा और डी एरा, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। यार एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन हो सकता है। अब ध्यान देना, ये वाले सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं 2 से, आपको पता होगा इवन नंबर है, और ये नंबर ऐसे हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होता, लेकिन एकमात्र 2 ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, तो यही तो कॉमन होगा। अब चेक कर लो इन दोनों में क्या कॉमन होगा बेटा, यही तो कॉमन होगा ना 2, और कोई हो ही नहीं सकता यार। ओके छठा पार्ट अगर है तो देखेंगे, चेक करता हूँ मैं, है बिल्कुल, लास्ट पार्ट है सी एंड डी, सी इंटरसेक्शन डी के बीच में, देखेंगे देखेंगे सी और डी के बीच में इंटरसेक्शन। भाई यहाँ पे 1, 3, 5, 7 यानी कि ऑड नंबर, और यहाँ पे है सारे प्राइम नंबर, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो ऑड हो और प्राइम भी हो, है ना। तो ऐसे नंबर इंटरसेक्शन निकालना है दोनों के बीच में कॉमन, तो 1 तो होता ही नहीं, लेकिन 2 वहां पे नहीं है, 3 3 है, 5 भी है,
थ्री भी है, फाइव भी है, सेवन भी है, ठीक है, सेवन के बाद इलेवन होगा, मतलब आप समझो थर्टीन भी होगा, सेवनटीन भी होगा, बहुत सारे हो सकते हैं यार, यानी कि सारे प्राइम नंबर कॉमन हो सकते हैं, दो को छोड़ के आप चेक कर लो क्योंकि आप देखोगे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते ही हैं, बस एकमात्र दो को छोड़ के, तो मतलब दो को छोड़ के सारे प्राइम नंबर आप ले सकते हो ना, है ना, तो ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट टू, है ना, एक्सेप्ट टू यानी कि दो को छोड़ के सारे कॉमन होंगे, ठीक है, यानी कि सारे इनमें कॉमन मिल जाएंगे आपको, है ना, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन भी, ठीक है, आप इसको नोट देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर एट करते हैं एक बार ना, तो क्वेश्चन नंबर एट में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, आपने बताने कि इनमें से कौन से पेयर्स के जो सेट है वो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मैंने आपको बताया था जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं ना, जब दो सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, तो देखेंगे वन बाय वन, तो पहला लेता हूं मैं फर्स्ट, तो वेरी फर्स्ट जो है वो है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड जिस पे अब पेयर है वो है बच्चे कुछ इस प्रकार, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x, देखो 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है और उसकी रेंज आपको यहां से यहां तक दे दी है, यानी कि क्या हो सकता है बेटा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, आप चेक कर लो, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया भी, 4 भी ले सकते हैं क्योंकि 4 के इक्वल भी और 6 भी ले सकते हैं और 5 भी लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 4 5 6 तीनों नेचुरल नंबर होते नहीं होते हैं, आई होप आपको पता होगा, तो अब ये बताना कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, तो मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, अब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन देखते हैं भाई, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6 कुछ है, 4 है बेटा, 4 है, चेक कर लो 4 है ना, तो बेटा इसको क्या कहेंगे हम, है ना भाई, ये क्या आ रहा है, ये 5 नहीं आया ना, नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर नहीं है, तो बच्चे ये क्या कहलाएगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट डिसजॉइंट नहीं है, है ना, अब डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, मैंने बताया जिसका रिजल्ट इंटरसेक्शन 5 मिलता है ना, ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यानी कि ऑल वोवेल्स एंड सी डी ई एफ, और इसका पेयर है सी डी ई एफ, है ना, तो देखो कुछ कॉमन है दोनों में, भाई ए तो नहीं है, ई भी नहीं है, ई है कॉमन तो है, कॉमन तो है ए ई आई ओ यू, इसका इंटरसेक्शन सी डी ई एफ के साथ अगर मैं निकालता हूं तो यहां पे आ जाता है ई एलिमेंट, है ना, जो कि दोनों में कॉमन है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो इस सेट को भी हम क्या कहेंगे, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नॉट अ डिसजॉइंट कह रहा हूं मैं, डिसजॉइंट सेट नहीं कह रहा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, और आपसे पूछे थे कि कौन से डिसजॉइंट सेट हैं, तो ये तो नहीं है डिसजॉइंट सेट ना, ओके, तीसरा पार्ट देखेंगे इसका, तीसरा पार्ट, तो थर्ड पार्ट में बोला गया है, कहता है x कॉलन x इज एन इवन इंटीजर, भाई यहां पे x कॉलन x क्या है, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इवन इंटीजर यही होते हैं ना भाई, x कॉलन x इज एन इवन इंटीजर तो यही होते हैं, एंड एंड जो इसका पेयर है उसके लिए बोला गया है कि x कॉलन x इज एन ऑड इंटीजर, यहां पे ऑड इंटीजर है, दैट इज 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, है ना, तो बच्चे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं भाई, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन 1 3 5 7 डॉट 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 इसके साथ निकालूंगा, तो ऑड का इवन में कुछ भी कॉमन आएगा, कुछ नहीं आता बेटे, 5 आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ डिसजॉइंट सेट, है ना, ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है बेटा, तो आपको यही बता रहा था इस क्वेश्चन में इनमें से कौन सा पेयर डिसजॉइंट है और कौन सा नहीं, तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी है, डिफरेंस बताना है ना, मैंने आपको टॉपिक्स करा रखा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो आपके पास ए सेट है कितना बेटा, 3 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 12 15 18 21, 21 ओके, इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 ना, और बी सेट है
बी सेट कितना है बेटे? 4, 8, 12, 16, 20 4, 8, 12, 16, 20 ध्यान से देखे तो मल्टीपल ऑफ 4 है ना, और सी सेट भी है आपके पास वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यानी 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 14, 16 भी है। ओके एंड इज लास्ट वन डी इज इक्वल टू कहते हैं 5, 10, 15, 20 यानी मल्टीपल ऑफ 5 5, 10, 15, 20 ओके नंबर अब आगे लिखा है कि फाइंड नंबर 1, 2 कितने पार्ट है इसमें 12 एक से 12 पार्ट है। अब अच्छे 12 के 12 पार्ट तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा है ना, तो कुछ सिलेक्टेड कराया था सब में डिफरेंस ही निकालना है ना, तो मैं कोई 4 पार्ट कराया था तो एक पहला कराया था दैट इज ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ए माइनस बी निकाल रहे हो तो आप ए के वो एलिमेंट लिखते हो जो बी में ना हो। अब बी में क्या नहीं है भाई, बी में 3 है नहीं है तो आप लिख दो, 6 है नहीं है, 9 है नहीं है, 12 है मत लिखो फिर, 15 है नहीं है लिख दो, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो ये आ गया ए माइनस बी है ना। ओके ये पहला पार्ट हो गया और अब इसके बाद मैं तीसरा पार्ट कराता हूं ठीक है, तो तीसरा पार्ट देखेंगे एक बार। तीसरे पार्ट में लिखा है ए माइनस डी, तो ए माइनस डी भी देख लेते हैं, तो ए ये रहा और डी ये रहा, मतलब ए के वो एलिमेंट जो डी में ना हो वही लिखने हैं ना, तो 3 नहीं है 6 भी नहीं है भाई ऑब्वियस सी बात है 15 को छोड़ के कुछ भी नहीं है, आप चेक कर लो क्योंकि ये किसका मल्टीपल है 5 का मल्टीपल है और यहाँ पे एक ही है 5 का मल्टीपल बाकी सारे रहेंगे, तो 3, 6, 9, 12, 15 नहीं आएगा फिर 18, 21 ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब छठा पार्ट देख लेते हैं, सॉरी मैंने चौथा लिख दिया गलती से, छठा पार्ट देख लेते हैं। छठे पार्ट में क्या है, सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ तो सिक्स पार्ट है बेटा डी माइनस ए, सिक्स्थ इज डी माइनस ए यानी कि डी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है। अब ए में तो ये भी नहीं है, ए में तो 10 भी नहीं है आप चेक कर लो, 15 है ए में है ना और 20 भी नहीं है, तो ये आ गया आपका डी माइनस ए। इसके बाद नाइन्थ पार्ट कर लेते हैं, तो नाइन्थ देखते हैं एक बार नौवा पार्ट क्या है। नाइन्थ में लिखा था बेटा सी माइनस बी, ठीक है सी माइनस बी, तो c माइनस बी मतलब c के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो c के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। अब देखो ना ये 4 का मल्टीपल है, इसमें से 4 का मल्टीपल कौन सा है, एक ये है एक ये है एक ये है और एक ये है ना, तो इनको छोड़ के सारे भाई c के वो एलिमेंट लिखने जो b में ना हो, तो b में ये भी था ये भी था ये भी था और ये भी था, तो इनको छोड़ के सारे लिख दो भाई। देखो क्या क्या आएगा, 2 आएगा 6 आएगा 10 आएगा भाई 2, 6, 10 फिर 14 आएगा दैट्स इट, और कुछ है कुछ भी नहीं है बेटा आप चेक करो। अच्छा इसके बाद मैं एक लास्ट पार्ट और कराया था 12 है ना 12वां पार्ट, तो 12वें पार्ट में लिखा था d माइनस सी दैट्स इट d माइनस सी, तो d के वो एलिमेंट जो c में ना हो, तो d के वो एलिमेंट जो c में ना हो, तो 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 10 है अभी बस 10 ही एक है ना देखो d के वो एलिमेंट जो c में नहीं है, तो d का एक एलिमेंट है 10 इसको छोड़ के बाकी सारे लिख देंगे है ना, तो 5 लिख देंगे 15 लिख देंगे और 20 लिख देंगे भाई, डी के वो एलिमेंट लिखेंगे ना जो सी में नहीं है, तो सी में 5 भी नहीं है 15 भी नहीं है और 20 भी नहीं है आप चेक कर लो, तो बस बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद खुद ट्राई करेंगे सेल्फ ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक सेट है ए बी सी डी, मैं लिख देता हूँ एक बार ए बी सी डी ओके आगे कहता है एंड वाई इज इक्वल टू और वाई एक सेट है जो कि है बेटा एफ बी डी जी एफ बी डी और जी एफ बी डी जी हाँ और फाइंड नंबर 1, 2, 3 देखो तीन चीजें फाइंड कर रहे हैं, नंबर 1 है एक्स माइनस वाई, नंबर 2 है y माइनस एक्स
और नंबर थ्री चलो नीचे ले लेता हूँ मैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, दैट्स इट, बस ये तीन चीजें हैं ना, तो बहुत आसान है ये तो। देखो एक्स माइनस वाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, एक्स के वो एलिमेंट लिख दो जो वाई में ना हो, है ना, यही सीखा है ना, तो ए वाई में नहीं है, चेक कर लो, बी है ना, बी तो है, सी नहीं है, डी नहीं है, या है डी भाई, देखो ना बी और डी है ना, तो बस यही आएंगे, ए और सी आएंगे, है ना। अब वाई माइनस एक्स, तो बच्चे वाई के वो एलिमेंट लिख दो जो एक्स में ना हो, तो वाई के एफ नहीं है लिख दो, बी तो है, डी भी है, जी नहीं है, तो यही आएगा बेटा। अब x इंटरसेक्शन y भी देखते हैं भाई, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही तो है b और d, चेक कर लो भाई, b और d तो है कॉमन, और कुछ दिख रहा है आपको क्या? तो यार ये तो बिल्कुल मजाक कर दिया इन्होंने, NCERT वालों ने ना, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके 11 क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो r जो सेट है वो किसका है बेटा, रियल नंबर्स का, ना वैसे भी आपको पता ही है कि R जो सेट होता है वो रियल नंबर का होता है ना, रियल नंबर्स, एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और जो Q सेट है वो रैशनल नंबर का है, ये भी आपको पता है, मैं बता चुका हूं रैशनल नंबर्स, है ना। आगे कहता है देन व्हाट इज R माइनस Q, तो आपने बताना है कि R माइनस Q क्या होगा। तो बेटा एक बात बताओ कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, है ना, वो सारे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, कौन से, एक तो कौन से डेसिमल वाले, एक विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल, तो विदाउट डेसिमल और यहां पे विद डेसिमल, ठीक है बच्चे। तो विद डेसिमल वाले सारे ही कौन से होते हैं, क्यू होते हैं, आपको बताया था भाई, यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स क्यू ही आएंगे ना, है ना, सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, बताया था। अब इसमें इसमें कुछ नंबर भाई विद, देखो विदाउट डेसिमल, सॉरी विद डेसिमल मैंने उल्टा लिख दिया, विदाउट डेसिमल भी है, ये सारे के सारे क्यू होते हैं, जो डेसिमल वाले होते हैं उनमें कुछ होते हैं जैसे कि 0.12, इसके बारे में हमें पता है क्यू होता है, इसके अलावा एक होता है जैसे कि 0.66666 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्यू होता है, और इसके अलावा एक टाइप का और नंबर होता है जैसे कि 1.237891213, मतलब ऐसा नंबर जो तो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही उसका एंड हो रहा है, तो इसको कहते हैं टी, टी फॉर इरेशनल नंबर, टी फॉर बताया था ना इरेशनल नंबर का सेट होता है, टी फॉर इरेशनल नंबर का सेट होता है, ठीक है बेटा। तो ये नंबर्स हो गए, ठीक है, ओके okay. तो आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, यानी कि आपने एक बात नोटिस की, वो बात क्या नोटिस की, कि या तो रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर है या फिर सारे के सारे रैशनल नंबर है, मतलब दो ही टाइप के नंबर है, या तो वो रैशनल है या फिर वो इरेशनल है। तो एक बात बताओ, रैशनल में से, सॉरी रियल में से अगर रैशनल हटा दोगे तो क्या बचेंगे बेटा, इरेशनल नंबर ही तो बचेंगे, तो बच्चे वो बच जाएंगे टी, जो कि होते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ओके। तो आई होप यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 और रह गया है, उसको और देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर तो सेम ही है, 18 NCERT, इसको और देख लेते हैं एक बार, ना इसमें कहता है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ पहले, मेरे को स्पेस चाहिए होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, तो देखेंगे ध्यान से ना। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बेटा, कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने ये बताने की जो आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सही हैं या गलत हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलो मैं पहले स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, जो पहली स्टेटमेंट है वो है बेटा 2, 3, 4, 5 और एंड, बीच में एंड है, फिर है 3, 6, ओके 3, 6 तो कहाँ गया, ओके 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। चलो मैं वन बाय वन इसको बताता भी रहता हूँ ना, इसके लिए बोला गया है कि ये, इसके लिए बोला है आर डिसजॉइंट सेट,
ये एक डिसजॉइंट सेट है ये बोला गया है। तो देखो चेक करते हैं, मैंने क्या बताया ये डिसजॉइंट कब होता है बेटा, जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन हो। तो मैं एक बार कॉमन निकाल के देख लूँ भाई, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6 इन दोनों के बीच में मैंने देखा कॉमन 3 है ना, तो नॉट इक्वल टू 5 भाई, ये जो कॉमन आना चाहिए ये 5 आना चाहिए था, ये तो बताया था कि अगर किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आता तो उसको डिसजॉइंट कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे बेटे, ये तो 5 नहीं आया तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है भाई, ये तो बताना ट्रू और फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। ओके अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है देखते हैं ध्यान से। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि ए ई आई ओ यू एक सेट है, ए ई आई ओ यू और इसके साथ लिखा है ए बी सी डी एंड ए बी सी डी ठीक है, और इसके आगे लिखा है आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट। तो बेटा इसका तो आंसर आपने खुद लिख देना, देखो ना ए है ना, आप देख रही हो बेटा 5 तो नहीं है, तो बेटा ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है ना, रीजन ऊपर बता ही रखा है मैंने, इस तरीके से आप निकाल के दिखा देना है ना। तो ये मैं नहीं बता रहा, और बता क्या रहा है, बता तो दिया ये कि ए इसमें कॉमन आ रहा है ना। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता है 2, 6, 10, 14 एक सेट है 2, 6, 10, 14 2, 6, 10, 14 ये बोला 2, 6, 10, 14 एंड एक सेट है दूसरा वो है बेटा 3, 7, 11, 15 देखो इसको मैंने ध्यान से देखा, 2 तो इसमें नहीं है, 6 भी इसमें नहीं है, 10 भी इसमें नहीं है, 14 भी नहीं है, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट है। लेकिन पहले आगे क्वेश्चन तो देखिए क्या लिखा है, इसके लिए भी यही पूछा है आर डिसजॉइंट सेट ठीक है, तो ये तो ट्रू है आर डिसजॉइंट सेट है ना। तो रीजन क्या है बेटा, इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन निकाला 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15 तो वो आपको क्या मिला है बेटे 5 मिला है ना, तो इसीलिए ये ट्रू है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये जस्टिफिकेशन है आपके आंसर की ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट और शायद आखिरी पार्ट है इसका, कहता है 2, 6, 10 2, 6, 10 के बाद दूसरा सेट लिखा है एंड 3, 7, 11 और इसके लिए भी ये बोला है आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट। चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है ठीक है। 2 नहीं है 6 भी नहीं है 10 भी नहीं, बिल्कुल ट्रू है, रीजन ऊपर लिखा है आप खुद देख सकते हैं इनका, विच इज ट्रू ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों आज की वीडियो तो यहीं पे ओवर करता हूं मैं, ये बच्चे थी एक्सरसाइज 1.4 और पूरी कंप्लीट करा दी है मैंने, बस कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए आपके लिए, तो आपको भी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी होती है इसलिए ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और इसके बाद बच्चे हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 और जो पहला टॉपिक रहेगा उसमें वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो अभी नहीं बताऊंगा मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है ना, तो उसके बारे में अगली वीडियो में ही डिस्कस करते हैं ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।